नारी के अचरा में गंगा की धार बहे, वही अचरा के छहिया छहाती संसार बा। नारी के दूधवा में शक्ति अपार भरल, पाके दुलार प्यार सब ही जुड़ात बा। पियलस मतारी के दूधवा जे पुतवाना, फूटल किस्मतिया उठुअरे देखात बा। पुतवा कहत लोग होई जात, पर माता कुमाता न कबहू कहात है। ए भैया, यही जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत बा। मास्टर भैया लाइन कौन हो? अरे मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, नजर से मिलेगी नजर से नजर धीरे धीरे, ए भैया। लेकिन कवि जी बड़ा उत्तम भाव स्थल लिखले कि जमाने में हो का रहल बा मास्टर भैया। अरे यहाँ खा रहा आदमी आदमी को, यहाँ खा रहा कहता जमाना कहता जमाना बुरा आदमी हो, कहता जमाना बुरा आदमी हो।
कहानी कहाँ का बतावल गईल? साथियों ये हिंदुस्तान है, राम यो कृष्ण की ये पावन धरती थाती है, राम यो कृष्ण की ये पावन धरती थाती है, आदि शक्ति के रूप नारी पूजी जाती है। आज के युग में नारी राह से भटकत बाड़ी, आज के युग में नारी राह से भटकत बाड़ी, कहीं कहीं बन के सबके नजर में खटकत बाड़ी। यूपी प्रांत इटावा की ये कहानी है, यूपी प्रांत इटावा की ये कहानी है, बड़ी ही दर्दनाक बात कुछ पुरानी है। आशा जीवन के जन्म देख के माई मरी गईली, आशा जीवन के जन्म देख के माई मरी गईली, मरते मरते मनोहर से बतिया कही गईली। ए दोस्तों, उत्तर प्रदेश इटावा से ये कहानी ली जाती है। बाबू मनोहर सिंह यादव का एक छोटा बहुत गरीब परिवार था। पत्नी सुशीला, भगवान दूगो औलाद दे रहे, लड़का का नाम जीवन, लड़की के नाम आशा। बाबू मनोहर सिंह यादव किसानी का काम करते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन ये भैया कब्बो कब्बो उनके पत्नी सुशीला का तबीयत खराब हो जाए बाबू। एक बार इतनी तबीयत खराब भइल कि यहाँ से जवाब हो गल, आखिरकार मनोहर सिंह के लेके जाए के भैल बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल। ए भैया टाटा हॉस्पिटल में जांच के दौरान पता चलल कि उनके आंत में भारी कैंसर बा, इनकर बचे के कोनो उम्मीद ना बा। डॉक्टर बोला, वो मनोहर अब तुम्हारी पत्नी 10 दिन के अंदर तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ए बाबू मनोहर सिंह पैर पकड़ के रोने लगा कि साहब ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर बोला कि ये लेके जाओ अपने पत्नी को, दवा दे दे रहा हूँ, 2-4 दिन सेवा करो, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ छोड़ देगी। ए भैया अपने पत्नी के लेके घर आए हुअन, 2-4 दिन दवाई खिल। एक दिन रात में तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है सुशीला की। ए भैया अपना पति मनोहर सिंह के अपने दोनों बचपन के बुला के एगो बात कहले बा, मास्टर भैया गीत बदल गई। अरे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, लेकिन ऐसे बढ़िया भाव हो का औरतिया सुशीला अपना पति मनोहर सिंह के और दोनों लड़कन के बुला के समझावा था, एगो बात कहता। पैया परीला सैया अंतिम समैया सैया, पैया परीले सैया अंतिम समैया सैया, आखिया से आसुआ बहाई के दोनों बचवन के हथवा हाथ में थमाई के, आप
शोहर के हाथ में वो दोनों लड़कन के हाथ रख के कसम धरावा था कि ये सैया हम लागा था कि अब ना रहा, लेकिन यह दुनिया से गईले के बाद एगो काम मत करिहा। का कहले माता सौतेली सैया बहुत दुख देली सैया लेकिन दूसर मेहरारू मत लिए यहाँ काहे से कि मैभा मतारी लैकन के बहुत तकलीफ देली माता सौतेली सैया बहुत दुख देली सैया सैया के कसमिया धराई के दोनों बचवन के हथवा हाथ में थमाई के बाबू इतना बात को कहते कहते धीरे धीरे सुशीला भगवान को प्यारी हो जाती है। ए बाबू सुशीला के यह दुनिया के गैला के बाद मनोहर सिंह सारा क्रियाकलाप पूरा कैले के बाद अपने छोटा छोटा बच्चन के लेके बाबूजी पढ़ावत लिखावत हुवन खाना बना के कियावत हुवन बर्तन धोवत हुवन कपड़ा धोवत हुवन समय धीरे धीरे बीतत बा, लेकिन इनके परेशानी के देखला के बाद गाँव परिवार के लोग बड़ा प्रेशर करे लगले कि मनोहर अभी तो हार उम्र बहुत बा, अरे एक कोनो निक बेकार देख के कोनो दुलहीन खिलियावा कम से कम तो के एक रोटी तो बना के दे ही। ए भैया दुनिया के बात सुन के मनोहर अपने सुशीला पत्नी के बात बाबू भुला गई ने, जब भुला गई ने तो मास्टर भैया कहले का यहाँ गीत बदल गई बौरा गैलू ना मोरी अइया का बौरा गैलू हो हम त खुद रहिले बऊ रहिया हम त खुद रहिले बऊ रहिया आइया का बउरा गैलू हो ए बाबू, लेकिन बिरहा में भाव बा भैल का, अरे मैं बा मतरिया ना ये भैया मैं बा मतरिया ना आइली अनुराधा बन बहुरिया आइली अनुराधा बन बहुरिया भैया मैं भा मतरिया ना ए बाबू मनोहर सिंह यादव एक अनुराधा नाम लड़की से शादी करके दुल्हन बना कर लाते हैं बाबूजी। ए भैया अनुराधा आइला के बाद वो दोनों बचपन की इतना मानता कि गांव जवार के लोग देखला के बाद कहना बा ऐसन मैभा मतारी आज तक हम देखबे ना कैली, बहुत मानता दोनों लड़कन के, लेकिन बारे मालिक समय भैल का बीतल दू साल के दिनवा बाबू जब 2 साल का
समय बीता, भगवान की मर्जी अनुराधा एक बच्चे को जन्म देती है। जब जन्म देले लड़का के तब भलका बीजा नफरत का बोवली गुजरिया, बीजा नफरत का बोवली गुजरिया, भैया मैं भाम तरिया ना। ए भैया दोनों लड़कन के लगल प्रताड़ित करे बारे मालिक, पति पत्नी का ऐसन नाता, हारे तिरिया से जग में बिदाता, तुअरा तुअर इनका कर दूर गतिया, तुअरा तुअर इनका कर दूर गतिया, भैया मैं भाम तरिया ना। ए बाबू जानत हुआ आज के जमाने में औरत अगर अपने पति के असली नस पा गईली तो जैसे चहली तैसे घुमावेली। ए भैया अनुराधा धीरे धीरे मनोहर सिंह के अपने बस में कर ले। जब मनोहर अनुराधा के बस में हो गईले तो उन्हों दोनों लड़कन के बड़ा सतावे लगले बाबूजी। एक दिन के बाद बा दोनों भैया बहनिया स्कूले से पढ़ के बाबू शाम के बेला में आयल हुअन। बहनिया भूखाइल बा कलिस की, ए भैया हमारा भूख लागल बा, हमके कुछ रोटी देता। बारे मालिक बारे लिखने वाले धन है आप। ए भैया यहाँ पति पत्नी का व्यवहार करत हन लड़कन के संगे, मास्टर भैया गीत बदल गई। ए भैया वह गीत बा कौनो नया नवर दुल्हन है सूरज भाई, शाम के खाना बनेले बे सही बे रतियों में सही हो, सुबेरवा लगल लंगड़ाए तो देवरा कहत हो का कहले, भजकत चले लू भोरे के बेला, भजकत चले लू भोरे के बेला, खेल लू कवन खेल लगा वाला ये भौजी, लगा वाला ये भौजी, कमर में करुआ तेल लगा। लेकिन तरस से बढ़िया फरज हो, अरे मतिया मरली मरत अपने, मतिया मरली मरत अपने, ले हली भर माय मैं बा पापी न हो, मैं बा पापी न हो, देहली झागरा लगाए मैं बा। बहनिया खाना मंगले तो भैया सिकहर पे रोटी रहल उतार के बहनिया के दे देले। जब मनोहर खेते से अले तो अनुराधा कहले कि ये दोनों चोर बनल हुअन, ये चोर निकली का ये तो सिकहर से वह रोटी चुरावता। ए भैया लगले मनोहर सिंह यादव अपने लड़का के मारे। ए भैया जब लड़का के मारे लगले परिवार पड़ोस के लोग जुटल हुअन, कल काहे मारत हुआ मनोहर। ए बाबू लड़कवा रोवे लगल कहलस की, ए बाबू ए घर के लोग पापा हमके काहे बजे मारत हुअन जानत हुआ, एक खुद छोट से गलती कैली बताव तका। बहिनी भूखाइल रहे मांगत रहे खानावा, पेट भोजनवा,
पतिया सुन के फाटे ले छतिया, पतिया सुन के फाटे ले छतिया, बोले गुसिया मैं बा पापी न हो, मैं बा पापी न हो, देहली झागरा लगाए मैं बा। भैया सबके समझैले के बाद भी अपने लड़का के पटक के मलने, ए भैया भैया बहनिया दोनों मड़ई में जाके बैठ के झोपड़ी में रोवत हुन, खाना ना खैले हुन, ए बाबू ये दोनों पति पत्नी और अपने छोटका लड़का जौन लड़का पैदा भलो ओकर नाम रख ले लन हरिद्वार, अपने लड़का के लेके बढ़िया से खैले बनैले, खा बना के बाबू जब सुतले, रात के धीरे धीरे जब 11 बजल बा भैया बहनिया उठले, गाँव के पूर्व बगल एक शंकर भगवान के मंदिर रहल, वही मंदिर पे जाके दोनों खूब रोवत हुन, कहत हो भैया की बहनी बाबू हमके बहुत मरने हैं, अब बहनी बाबू के घरे कब्भो ना रहा, यही कह के जब रोवे लगल तब बिरहा में भाव लगल मास्टर भैया। हाय राम चकोरी आशा प्यासी रह गई, अरे चकोरी आशा प्यासी वो हो, चकोरी आशा प्यासी रह गई, कट गए पतंग केवल बची हाथ में डोरी, अरे हो डोरी, अरे हो डोरी, कट गए पतंग केवल बची हाथ में डोरी, चकोरी आशा प्यासी रह गई। भैया रोवा था कि ये बहनी तू जा, लेकिन बाबू हमके इतना मरले होन बहनी कि हम बाबू के घरे ना जाब, कह के भैया रोवे लगल बहनिया से, का कहत हो मास्टर भैया विदेशिया में भाव है। तोहरा के खातिर बहिनी रोटिया के चोरी कैली, बाबू बनी गईल कसैया रे बहिनी, इतना नया खरत बा माई के मुअल का बहिनी, ओसे ज्यादा बाबूजी के मरिया ये बहिनी, आसारे बहिनिया के धीरज बधावे बिरना, कह कतहु करब नौकरिया रे बहिनी। बाबू भाई बहन दोनों बहुत रोवल कहने बहिनी जा थी, अब हम ही के कमा के तोहर ब्याह शादी करे के होई, एनहन ऐसे हम हन के मरिए गरिये हैं, तू जा लेकिन अब हम जा थी बहनी, लौट के कब्भो ना आई। ए भैया रात के समय बा, धीरे धीरे 1-2 बजल बा, लड़का निकल देले बा मंदिर से, जब 4 बजे का बेला भइल तब मुलाकात कैसे भइल मास्टर भैया, गीत बदल गई। वह गीत बा कि तूने या जब रचा भगवान खिलौना माटी का, बाबूजी जीवन जा रहा है, धीरे धीरे रात बीतत बा, 4 बजे का बेला बा, तब गईले भिखारी भेटाए, तब गईले भिखारी भेटाए, जीवन से रहिया में, समय दूगो साधु भिक्षा मांगत रहले, भजन गावत रहले, फेरी नावत रहले गांव में, वही साधुवन से जीवन के मुलाकात हो गई। जब जीवन के पहले रोवत देखले बाबू, बुला लेले पास में, समझा बुझा कर पास में रखेले,
अपने साथ में भिक्षा मंगवाए। ए भैया समय बड़ा बलवान होता है। एक दिन एगो होटल पे साधु ठहरने और साथ में जीवन भी बा। होटल मालिक देखता है जीवन के बाबू बहुत दया आ जाती है। होटल मालिक कहा कि ओ लड़के, अरे ये भिक्षा मांगने से तेरी बहन की शादी नहीं हो जाएगी। ए बाबू जब इतना बात की जीवन सुन ले बा तो करेजे में बांध जैसा लगल बा। फेंक दिया चदरी गुदरी, बोले साधु के आप लोग चले जाओ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यही होटल पे रहूंगा। ए बाबू होटल पर रहे लगल। होटल मालिक बहुत मानत बा, लेकिन बतावल जाला कि होटल पे छोट आदमी भी आवेले, होटल पे बड़ा आदमी भी आवेले। ए भैया एक दिन सुबेरे के बेला बा, होटल पे एगो सेठ आइल बा। जीवन पानी देता है और चाह लेकर दौड़ता है बाबू, चाह सेठ के कपड़े पर गिर जाती है। सेठ गुस्सा जाता है और डांटने लगता है। इसी बात पे मालिक उठाता है राड, लाल राड से पिठासे पर जीवन सिंह मार देता है। ए भैया जब जीवन के राड से मरले बा, होटल मालिक कहे समझाए जीवन के रहिया में। होटल मालिक तो चला आता है, लेकिन जीवन वापस नहीं लाता है बाबू, वो चला जाता है। ए भैया किस्मत मने ही कहला कि भैया किस्मत में जकरे बदा में जोन रही। ए भैया निकरल बा ओकरे नशा धैले बा कि अब हम वही कुटिया पे चलब जोने कुटिया पे साधु के संगे भिक्षा मांगत रही। लेकिन ए बाबू रात के समय बा, ओकर तकदीर डकुअन से टकरा गई। रात में डाका डाल के डाकू आवत रहले, एक बजे का टाइम रहल, जीवन के पा गईले। ए भैया वह डाकू का सरदार जब पहले बा जीवन के सारी बात के जनले बा बाबू, पूछले बा कलेज की, वो जीवन तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अब तुम हमारे साथ रहो और इस गिरोह का सरदार बन के रहो, और आज से तुम्हारा नाम जीवन नहीं, आज से तुम्हारा नाम डाकू जग्गा सिंह है। और करना क्या है, अमीरों का धन लूटना है और गरीबों में बांटना है, गरीब बहन बेटियों की शादी करवाना है। ए भैया जब डाकुओं के संग मिलल तो मास्टर भैया गीत यहां बदल गई। अरे मटिया में मिल जाय है, अरे नहीं हरे कंदूरी होकी मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया ना सावई में चूर होती। ए भैया जग्गा सिंह करत का बा, बिहारन के झुंड में घूमे जग्गा सिंह नाहर घूमे, जग्गा सिंह नाहर घूमे लेके हथियार होती। ए बाबू रात में डाका डालता था, अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था, गरीब बहन बेटियों को शादी करवाता था। ए भैया जब बहन बेटियों के शादी करवावे जाए जग्गा सिंह, तो कभो कभो के अपने बहन के भी याद आवे कि सबके बहन बिटिया का हम ब्याह करावत हई, हमार बहनी हमार रास्ता अगोरत हुई। ए भैया कभो कभो आँख में आंसू आ जाए, आखिया में ना चला था बहिन का सुरातिया, कैसे हो शादी हवे सोच दिन
नवरातिया। एक दिन कहले का अरे जोगिया करू पढ़ाई के, जोगिया करू पढ़ाई के, चालल पर दुधार होती जग्गा सिंह नाहर घूमे, जग्गा सिंह नाहर घूमे लेके हाथियार होती। सोचने लगा कि धीरे धीरे 25-26 साल हमारी उम्र हो गई, बहिनी के भी उम्र 22-24 साल हो गल होई, हमरे बहन के ब्याह के कराई हमरे बाहर। ए भैया, बहिनी के दर्द जब सतावे लगल जग्गा सिंह के, तो बहिन से मिले के उम्मीद लेके जग्गा सिंह चलल बा मास्टर भैया, कैसे चलल बा सोठी में बतावे के भैया। ए भैया, साधु का रूप बनैले बा, दाढ़ी वाड़ी बना के सरंगी गुदरी लेके चलल बा, कैसे? अरे गावेला भजनिया डाकू तेरे ला सरानिया हो, बहिनी देबू पानिया पियाई होरा, जग्गा सिंह जोगी का रूप पकड़ ले बा, सरंगी गुदरी लेके गांव में चक्कर मारे लगल, कहलस की बहिनिया से भेंट कैसे होई। एक दिन बीत गल, दो दिन बीत गल, तीन दिन बीत गल, गांव में घूम के जब दरवाजे पे पहुँचे, लोग के चिन्हत बा कि फलाने चच्चा हुआन, उ ढेकाने चच्चा हुआन, ई फलाने माई हैं, ई छोटकी चाची बा, लेकिन जग्गा सिंह के केहू ना चिन्हत बा। ए भैया, तीन दिन बीतल बा, चौथे दिन दरवाजे पे अपने पहुँचल बा, बहिनिया घरे में बा, बहरे से आवाज दहले, जब यह आवाज के सुनने के बाद बहिन निकरल बा, लोटावा के पनिया लेके आइल बाबा बुलिया हो आइल, लोटावा का पनिया लेके आइल बाबा बुलिया हो आइल, बाबा बुलिया हो जोगिया रोवेला बिल खाई हो रा। बाबू, बहिनिया लोटा के पानी लेके निकरल बा, भैया देखले बा बहिनिया के, जोगी यानी जग्गा सिंह के आँख से छर 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 आंसू गिरे लगल, बहिनिया लेके आयल बा पानी, कहलस की बाबा ली पानी पी ली, बाबा काहे रोवत हैं, भूख लगल बा, अगर आपकी भूख लगल बा तो ये बहिन तोके रोटी भी देही। ए बाबू, जब बहिन आशा रोटी के नाव ले ले बा, अपने आप को रोक नहीं पाया जग्गा सिंह, होकार छोड़ कर रोने लगा बाबू, रो के एक बात और कहले सूरज बाबू, का कहले? हमके पहचाना बहनी आयल तोर बिरानावा हो, हमके पहचाना बहनी आयल तोर बिरानावा हो आयल,
तोर बिरानावा हो मिलबो माना बिरावा में आई हो बाबू। जोगी पानी पियले बा बहनिया आस पछले बा कलेस की भैया तू कलेस बहिन आओ वहीं मंदिरवे पे हाल चाल हो यहाँ समय ना बा। ए बाबू जग्गा सिंह जाता है डेरा अपना गिरा देता उसी मंदिर पे जब रात भइल बा बहिन आशा गइल बा दोनों भाई खूब रोवत हुवन कहले कि भैया तू गइला हमके भुला गइला तू कबो ना सोचला कि बहिन तोहार कैसे होई का करत रहला ई दाढ़ी ओढ़ी इतना बड़ा बड़ा काहे रखले हुआ। कलेस की हे बहिनी यहाँ से जब गईली तो साधु मिल गई ने कुछ दिन भिक्षा मंगली ओकरे बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतल होटल पे काम करे लगली। हे बहिनी हे देखिया होटल मालिक मार दिलस रे बहनिया देख ले कलेस की भैया निर्दया मार दिलस तोके ओकरे शर्म ना आईल तो का करेला ई कुल इतना तना बार रखले हुआ। कलेस की हे बहिनी हम बड़ा बड़कवन के लूटीला अमीरन के धन लूट के गरीबन में बाटीला और गरीब के बहिन बिटिया के शादी ब्याह कराईला। जब शादी ब्याह का नाम आशा सुनलेस कलेस की हे भैया तू दुनिया के बहिन बिटिया के शादी ब्याह करावत हुआ अपने बहिन के तोहके चिंता ना बा। भैया कलेस की हे बहिनी अपने हाथे से तोहके डोली में बैठाई बहनिया बतैले बा कि भैया यही दिन के हमार बियाह परल बा। ए भैया इतना कहले के बाद जग्गा मिल के और बहन से फिर चला जाता है बहन चलाती घर। ए बाबू जब समय बीतल बा हर मनोहर सिंह यादव के दरवाजे पे उनकी बिटिया आशा के बारात आइल बा। ए भैया जब बारात आइल मास्टर भैया तो यहाँ गीत माता बहन वाई लग गई। माई कहली बेटी नियरे बियाह बहु माई कहली बिटिया नियरे बियाह बहु बाबू कहल बड़ा दूर हो लेकिन बाबू दरवाजा पे बारात आइल बा बाजा बजत बा बहनिया घरे में रोवत बा कि दुनिया आल बा सब नौतहरी आल हुवन बारात आ गई। भैया हमार कह के गेल रहलन कि बहनी तोके डोली में बैठाई भैया हमार भुला गिने लगत हो ना आई है का बहनिया रोवत हो कैसे आईली बरतिया दुअरे बाजला बजनावा हो आईली बरतिया दुअरे बाजला बजनावा हो बहिनी रोवलिया सुगार हो बहिनिया भैया के वियोग में पागल बा कहता वादा कैला सदिया में तोहरे हम आइबे हथवा से बहिनी तोहके डोली में बैठे आइबे धोखा तू कैला काहे संग में बीरा नावा हो धोखा तू कैला काहे संग में बीरा नावा हो बहिनी रोवली छोदार हो हर द्वार पूजा लगल बा बरतिया पानी पी ले और लड़का के तरफ से बड़ी बढ़िया नाच आई लह मुन्ना भैया
जनवासे में नाच लगल बा और हर दुल्हा का मामा लगाए के एकदम टाइट हुआ कला है नाचने वाली जरा एक गाना इस महफिल में दुल्हे राजा के लिए सुना दो। ए भैया जनवासे में दुल्हा बैठल बा मंच पे नचनिया हुआ मामा फरमाइश के लिए एगो गीत के का मास्टर भैया अरे दूल्हे का अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है अरे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है हर बरतिया नाच का आनंद लेत हुवन दुल्हा उठल हुवन। ए बाबू बहिनिया माड़ो में बैठल बा बियाह होत बा भैया के इंतजार में रोवत बा यहाँ लोग मौज मस्ती करत बा बाबू धीरे धीरे जब 2 बजे के बेला भई एक स्कॉर्पियो सहित नकाब लगैले एकदम मुंह पे 4-5 गो जवान अइले। ए भैया सर्वप्रथम जग्गा सिंह आता है बुरका उरका लगा के आइल बा सबसे पहले तंबू में उतरल बा जहाँ बरतिया सब आनंद लेत हुवन नाच के। ए भैया तड़ातड़ मल्लस 2 गोली मामा एकदम न्यूट्रल हो गए जोन पिएले रहले नाचे वाली जैसे खड़ी है ना ऐसे कमर हिलते नहीं खन कलेश खबरदार जो जैसे है वैसे नाच का आनंद लेते रहो कह के माड़ो के तरफ चलल बा। जब माड़ो के तरफ पहुंचल बाबू एक फायरिंग माड़ो में के लिए धाक से। ए भैया दुल्हा उठ के खड़ा हो गल। ए बाबू जब गोली के आवाज सुन ले बा बहिनिया घबरा गई कि रे बाप रे बाप कहीं भैया तो ना आ गई ले बहिनिया रोवे लगल देखे लगल पहुंचल बा जग्गा सिंह सर पे हाथ रख दिलस कहलस कि बहिनी तू रोवत हो हमके आवे में देर हो गई। ए पंडित जी ब्याह करावा ई काम जब दुल्हा देखले बा बाबू खड़ा भइल बा गुस्सा में कहलस कि अरे हसल बड़ा जोर से। दुल्हा के बाप कहला कि काहे हंसत हुए देखत हुए एकरे हाथ में हथियार हो अब तोहके मार दे कहे बाबू यहाँ बदे हंसत है। अरे बाबू ये बिहार में रहे वाला जग्गा सिंह डाकू हो सरकार ए पे 50,000 रुपया के इनाम लगाई ले बा अगर ये डाकू हो और या कि यह लड़की के कहत हो कि बहनी अगर यह बहन का अगर भाई हो तो यह लड़की से ब्याह हम ना कर बाबू। ए बाबू जो जिंदगी भर शान से चला था जग्गा सिंह डाकू टूट जाता है बाबू बैठ कर दुल्हा का पैर पकड़ ले ले बा पकड़ के रो गए को बात कह ले बा मास्टर भैया आलम बतावे भाई हो राम। ए बाबू दुल्हा के पैर पकड़ के डाकू जग्गा सिंह रोवत बा आंख में आंसू बा का कहले बा मास्टर भैया अरे माई का चरिया होला गंगा जी का पनिया दुल्हा बहिनी तो होली जस जमुना कदार देई के जन्मवा मर माई मारी गईली दुल्हा दुल्हा बाबू ये हमार मजबूरी रहल कि हम डाकू हो गईली यही घर में पैदा भइली हमार माई छोड़ के हमान के ये दुनिया से चल गई बाबू हमान के बहुत कष्ट देवे लगले बहुत सतावे लगले दुल्हा बाबू समय के मारल बाबू भागल गईली भटकत भटकत डाकू हन से भेंट हो गई कर्म को भोगी दुल्हा बाबू डाकू बन गई ली देई के जन्मवा मर माई मारी गई ली दुल्हा बाबू भूल गई ले दोनों बचावन के प्यार दुल्हा बाबू
माता सावतेली बन के आ गईली नगिनिया दुल्हा, जेकर कारण छोड़ दियाली घर वाले दुआर, बढ़ली गलानी मन में डाकू बन गईली दुल्हा, बहनी के सदिया में गईली अजया, झरझर आंसुआ गिरल दूल्हा के भैया, आशा के मान में से नूरवा गेरे दाद। ए बाबू, जब इतनी बात के दुल्हा सुन ले बा, वाह उसका हृदय पिघल जाता है बाबू, दुल्हा भी रोने लगता है और एक चुटकी सिंदूर उठा के आशा के मांग में डाल देता है और कहता है कि हम नहीं जान पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने ऐसा बोल दिया। कहले बाकी बिना दहेज के ये लड़की से शादी करब और जीवन भर एक इज्जत करब, जीवन भर एक मानब। ए बाबू, इतना कैला के बाद जग्गा सिंह आगे बढ़ल बा, देखले ओकर भैया जौन जेकर नाम हरिद्वार रहल। ए भैया, माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है, माता पिता का श्राप भी लगता है। छोटैया में मनोहर और उनकर पत्नी कहें कि अपने लड़का के कहें कि ई दरोगा बनी, और जग्गा सिंह के कहें कि डाकू बनी तो रोटी चुरावत बा। ए बाबू, आशीर्वाद से हरिद्वार दरोगा हो गया था। ए बाबू, हरिद्वार लगा था शादी में, अपना बाहर भीतर कर रहा था, भैया के देखले बा। जग्गा सिंह कहले कि भैया तू बड़का भैया हुआ, सिपाही हुआ, हमरे पे सरकार 50,000 के नाम लगेले बा, अगर हमके गिरफ्तार कैले बा तो तुहार प्रमोशन हो जाई, 50,000 रुपया इनाम तो के मिल जाई। इतना कहले के बाद कहले कि लेकिन ऐसे नहीं, कोई डाकू ऐसे गिरफ्तार नहीं होता है, कोई अपराधी ऐसे गिरफ्तार नहीं होता है। भैया पिस्टोल लिया था हाथ में बाबूजी, सीने में गोली मार लेता है जग्गा सिंह, सीने में गोली मार के कहले बाकी भैया अब तोहरे दरबार में आ गई ली, बाबू तोहर मनसा पूरा हो गई, माई भी खुश हो गई, बहनी के ध्यान रखिया हरिद्वार। भैया रो के बाबू के एगो बात कहले बा, अंतिम लाइन बतावे के बाद, अरे खुनवा से गईले आज मड़वा रंगाई हो, रोवे हरिद्वार अखिया खोला बड़का भाई हो, रोवे हरि बाबू। जग्गा सिंह गोली मरले बा, छटियात बा, प्राण निकले वाला बा, हरिद्वार भैया के तरफ ताक के एगो बात कहले बा, अरे रखिया हरिद्वार आशा बहिनी कह दे नवा, और ये तो न कह के भैया ताजी दे हल पर नवा, अरे करनी पर मनोहर तब रोवल पगलाई हो, रोवे हरिद्वार अखिया खोला बड़का भाई हो, रोवे
ए बाबू यही से बतावल जाला कि दुनिया हो, ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हुवन। अंतिम लाइन परिचय हो मास्टर भैया। गुरपत्तु गुर काशी बुल्लू राम अवधपति, तेज बहादुर जोखई नंदन, अरे रटेल शिव के नाम हो। चकोरिया सा प्यासी रह गई, देहाती जीतू लाल सारद से नहीं आ चोरी। चकोरिया सा प्यासी